हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजशेखर भारती में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री की। ये जो बुक है क्लासिक्स की, ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशंस की, है ना जॉन वेस्ट, ये देख सकते हैं आप लोग। इसकी हम लोग आज रिव्यू करेंगे और बताएँगे कि ये बुक कैसी है ना फ्रेंड्स। ये जो बुक है ये बेसिक स्टडी की कैटेगरी में आती है। जो भी फ्रेंड्स या फिर जो भी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वो चाहे जनरल कॉपरेशन वाले हों चाहे क्लास सिक्स के बच्चे हों, दोनों के लिए हेल्पफुल है, तो दोनों ही इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस बात करते हैं इस बुक के बारे में। ये रहा इसका कुछ फ्रंट पेज इस प्रकार से, और साइड से हम लोग अगर बात करेंगे, साइड से ये पतली सी है। फ्रेंड्स, मेरे पास ये बुक पड़ी हुई थी, है ना, तो मैंने सोची इसकी रिव्यू कर दूँ। ये बुक जो है काफ़ी, आप देख सकते, पुरानी ओल्ड है ना। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इसको पढ़ा करता था। आज भी इसकी लेटेस्ट वर्जन आपके मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इसको देख कर आप लेटेस्ट वर्जन को ले सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ऑक्सफोर्ड की वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है, क्योंकि लैंग्वेज जो है इसकी काफ़ी इजी वे में समझाई हुई होती है। तो चलिए हम देखते हैं अंदर में, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अंदर हम लोग मिलेगा, हमको अंदर में कुछ देखने को मिलेगा। पहला फ्रंट व्यू खोलेंगे तो इसमें प्रीफेस कंटेंट्स ये आपके कोई काम की नहीं है, है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये जो मेन है, ये जो मानक है, मीन्स ये जो कैटेगरी, ये आपको फुलफिल करता है ना, बताता है क्या कि इसमें क्या क्या सिक्वेंसिंग, लुकिंग फॉर पैटर्न्स, ऑब्जर्वेशन स्किल होता है, पढ़ने से क्या क्या बच्चे के दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आती है, और या क्या या जो भी पढ़ते हैं इसको स्टूडेंट के दिमाग में क्या क्या चलती है, है ना, सब इस तरह दी हुई है। फिर इसके क्लासिक्स, है ना, जैसे थे अपने क्लासिक्स के बारे में, है ना, इसमें कौन कौन चैप्टर पढ़नी है क्लासिक्स में, नेचर ऑफ मैटर, वाटर, प्योर एंड मिक्स सच ऑन एयर, है ना, चेंज रॉक एंड मिनरल्स और प्रैक्टिस शीट्स, और ये सब दी हुई है ना, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। चलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा करके हम देखते हैं हम लोग जैसे केमिस्ट्री से कुछ यहाँ पर दी हुई है। एन केमिस्ट एंड एल्केमिस्ट के बारे में दी हुई है, यहाँ पर क्या होता है इसका, थ्रू द एजेस कैसे कैसे केमिस्ट्री ग्रो की है ना। यहाँ पर सम ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री यहाँ पर दी हुई है, पहले से देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर ये देखिए, ये चीज़ जो है, जैसे पिछले क्या डिस्कवर ऑक्सीजन, ये सब जो फ्रेंड्स है, जो जनरल कॉम्पिटिशन पूछी जाती है, तो ये आपको ये जो है, जो भी तैयारी करते हैं कॉम्पिटिशन की, ये जरूर पढ़ेंगे इनको एग्ज़ाम में, तो ये तो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो ये चीज़ स्टार्टिंग में दे दी गई है, तो ये बहुत अच्छी है ना। ये बेसिक बुक है अंडरस्टैंडिंग, जिनको केमिस्ट्री बिल्कुल ही नहीं समझ में आती है, उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है, इस बुक से पढ़ के समझ सकते हैं। तो पहले है नेचर ऑफ मैटर, देख सकते हैं आप लोग, है ना, चैप्टर वन स्टेट्स ऑफ मैटर, हर चीज़ यहाँ पर दी हुई है। उसके हम लोग अंदर चलेंगे, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर। फिर डेमोक्रेटस 460 BC, 370 BC, ग्रीक फिलोसफर, है ना, देख सकते हैं। एटमा, पहले एटमा मैंने कहा था इसने, फिर एटमा डिराइव रिवर्ड, है ना, फिर देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विड शेप्स, है ना, सब चीज़ यहाँ पर दी हुई है, हर चीज़ दी हुई है। फिर सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेज, हर चीज़ यहाँ पर दी हुई है ना, कौन से शेप साइज कैसे कैसे होता है, फिटर वर्ड बॉयली, हर चीज़ फिगर के माध्यम से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो ये ऑक्सफोर्ड बुक की ये जो है वो खासियत होती है कि बुक जो है बहुत अच्छी समझाई होती है, और काफ़ी लूसिड वे में, मतलब इसकी राइटिंग स्किल जो है वो लिखी हुई है। सिंबल्स एंड फार्मूले यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हर चीज़ अच्छे से बारीक से समझाई हुई है। नेक्स्ट चलेंगे फैक्ट फाइल में यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग H2NH3 सब चीज़ दिया हुआ है, मैक्मिथियन कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला दी हुई है। और फिर यहाँ पर देखिए कंपाउंड है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और नॉन मेटल है इसमें, और यहाँ फॉर्मूला दी हुई है ना, कौन कौन नॉन मेटल है, मेटल है, हर चीज़। फिर कीवर्ड्स मैट्रिक्स विद एलिमेंट कंपाउंड, है ना, ये सब कीवर्ड पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में फ्रेंड्स, आपको दिमाग में रहेगी अगर तो ही आप एग्ज़ाम बना पाइएगा। फिर यहाँ समरी में दी हुई है आपकी, और यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए 15 पेज में, टोटल 15 पेज में ये आपके एक चैप्टर खत्म हो गई है। यहाँ पे फिल्म ब्लैंक दी हुई है, करेक्ट आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर ये लगा सकते हैं आप, मैच द फॉलोइंग लगा सकते हैं, है ना, इसे आपको स्टडी में इन्हेंस मिलेगी, आपको प्रिपरेशन और भी अच्छे से हो पाएगी। फिर देख सकते हैं यहाँ पर भी दी हुई है स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, टीचर फिर कुछ टीचर्स के बारे में नोट्स है, देख सकते हैं स्टूडेंट्स में हैव मिसकंसेप्शन दैट एवरीडे दैट एक्सिस्ट मैटर लिक्विड इंक्लूडिंग हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, देख सकते हैं आप मिसकंसेप्शंस है ना, मैटर क्या है, एनीथिंग दैट इसको ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, लेकिन हीट में क्या मास नहीं है, ऑक्यूपाइस नहीं करता लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये जो कि मैटर नहीं है, तो ये सब दी हुई है। फिर प्योर एंड मिक्स ऑफ चांस चैप्टर 2, तो हर चीज़ फ्रेंड देख सकते हैं आपको बारीक समझ हुई। अब हर चैप्टर का तो मैं नहीं बता पाऊँगा अच्छा से, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, लेकिन आप एक ब्रीफ आउटलाइन आपको दे देता हूँ, ताकि आप इससे समझ कर आप जो न्यू एडिशन की बुक है वो जाकर परचेस करेंगे, तो आपको समझ में आएगी कि ये बुक जो है काफ़ी अच्छी है, हद तक मतलब कि यूज़फुल आपको साबित होगी और आपको हेल्प करेगी, क्योंकि मैं भी ने इस बुक को पढ़ा है तो मैं जानता हूँ, मुझे अनुभव भी है इस चीज़ के बारे में, तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप बेसिक बुक स्टार्ट कीजिए, जैसे कि NCERT बुक से आप बोलते हैं कि स्टार्ट करने के लिए, वो भी पढ़ सकते हैं, और ICT बोर्ड की बुक जो होती है वो भी आप स्टार्ट से NCERT से सॉरी क्लासिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उसको पूरा चैप्टर 12 तक पढ़ सकते हैं, तो आपको एक अच्छी सी समझ में आएगी। उसके बाद फिर आप तब आप बुक स्कॉलर बुक के ऊपर जाएँ, स्कॉलरली बुक जो मार्केट में मिलता है उसके बाद जाएँ, और फिर स्टडी को अपना इंक्रीज़ करें। जैसे सत्य पर हर चीज़ रॉक्स एंड मिनरल्स दिया हुई, हर चीज़ हमें फिगर माध्यम समझाई हुई है ना, तो आपको ये आराम से एक महीना में से 1 से 2 महीने में एक चैप्टर एक बुक ख़त्म कर सकते हैं आप,
है ना। पढ़िए, अब पढ़ने पर डिपेंड करता है आप कितना स्पीड से पढ़ सकते हैं। मेरे ख्याल से 30 दिन में आराम से आपकी ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट में देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम लोग को यहाँ दी हुई है अपेंडिक्स, यहाँ पर हर चीज़ से दी हुई है, प्रैक्टिस शीट 1 दी हुई है, प्रैक्टिस शीट 2 दी हुई है ना फ्रेंड्स। हर चीज़ यहाँ पर दी हुई है ना, प्रैक्टिस शीट 1 यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दिया, प्रैक्टिस शीट 2 दी हुई है यहाँ पर हर चीज़। लास्ट में यहाँ पर अपेंडिक्स, यहाँ पर देखा आप देखने के लिए, यहाँ पर मेथड विनोइंग है ना, सेपरेशन बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, हर चीज़ ताकि आपके दिमाग में एक ब्रीफ आपको खाकर एक तरह का इस तरह ब्रीफ आउटलाइन दिमाग में बस जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 71 पेज की ये बुक है, आराम से आप 1 महीने में ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी ये बुक ख़त्म होगी, यहाँ प्राइस जो है आपके 100 के अंदर ही आपको बुक मिल जाएगी आराम से। तो आप न्यू एडिशन जाके इसको बुक को जाके मार्केट में जाके देख सकते हैं आप लोग, अगर अच्छी लगी अगर तो आप खरीद सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स बताना कि वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना और मेरे चैनल को ग्रो करने हेल्प करना। मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।